कराची का दूसरा बड़ा अस्पताल सिविल अस्पताल, वहां अंदर मौजूद वॉशरूम ठेकेदारों को दिए गए हैं। यहां पर किसी किस्म का कोई सफाई का इंतजाम ना था। हमारे नुमाइंदे के कैमरे पे हाथ मार के वॉशरूम बदमाशी करने लगे। किसने दिया ठेके पे, किसने दिया है तुम्हें? आप कैमरा नीचे करो। नहीं, आपको किसने इजाजत दी है? कोई नोटिस दिखाओ। नोटिस है हमारे पास। कहाँ दिखाओ? अभी भाई आवाम को लूट रहे हो यहाँ पे? हाँ लूट रहे हैं। दरवाजे तो टूटे हुए सारे। जो दरवाजे टूटे हुए तो क्या हुआ? कोई लेटर वेटर लगाया हुआ क्या? 10 रुपए लेने आवाम से। वो नहीं दिखाई पाती है, 10 रुपए मस्जिद के जरिए पर। आवाम के लिए बनाया ना ये? आवाम के लिए नहीं बनाया, ये पैसों के लिए बनाया। जब सिविल अस्पताल की इंतजामिया से स्वीपर्स का सवाल किया तो मौसूफ आग बगुला हो गए, कहने लगे कि एमएस से बात करें। सिविल हॉस्पिटल के अंदर कितने स्वीपर्स काम कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रही हूँ, एमएस ने दिए, किसने दिए, आप उनसे पूछो ना। सिविल सवाल करो, अभी तो सुपरवाइजर है। भाई मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं एमएस को जवाब दूंगा, आपको जवाब दे रही हूँ मैं। आवाम को कोई जवाब दे, मैं जवाब दे रही हूँ। फिर इन्हें याद दिलाया गया कि भाई जो तनख्वाह तुम लेते हो आवाम के टैक्स के पैसों से लेते हो और तुम आवाम को जवाब दे हो। हमारे टैक्स के पैसों से आप तनख्वाह नहीं ले रहे, तो आप हमें जवाब दे नहीं हुए। मैं आपको जवाब दे दूँगा। अगले रोज हमने सिविल अस्पताल का रुख किया। हम अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एमएस साहब के दफ्तर गए। एमएस साहब दफ्तर में मौजूद ना थे, लेकिन डिप्टी एमएस साहब मौजूद थे। आप यहाँ पे क्या है? मैं डीएमएस हूं। डीएमएस, आपने कभी यहाँ के वॉशरूम विजिट किए? नहीं विजिट किए हैं, लेकिन सर एक बात बताएं, ईमानदारी से इस काबिल हैं? बैठ सकते हैं मैं और आप? नहीं वॉशरूम बेहतर है। अरे सर पूरी वीडियो बनी हुई है, पूरी वीडियोस बनाई हुई है। वो आपकी बात दुरुस्त है। हम इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर ही रहे थे और अपनी बात अभी बता ही रहे थे कि एक मौसू जो वहाँ के कोई एम्प्लॉय थे, उन्होंने डीएमएस और सिविल अस्पताल से अपनी वफादारी साबित करने का मौका समझते हुए एक नई मंतक की तरफ बात को ले जाना चाहा। हमें कहने लगे कि आप लोग एसओपी फॉलो नहीं कर रहे। छोटा अर्ज करना चाहता हूँ जी, आज ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, मैं इसकी हिमायत कर रहा हूँ। ठीक है, आप कभी ये बता दो, आप यहाँ आए मीडिया वाले, आप एसओपी पे अमल किया? सर मेरी कोई इनसे सवाल करेगा आपके अस्पताल में कौन सी एसओपी फॉलो हो रही है? आप आए मेरे साथ विजिट करें, मैं आपको दिखा मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछा है ना, उसका जवाब दे दो। एसओपी पे आप अमल कर रहे हो? ना तो अस्पताल में हैंड सैनिटाइजर मौजूद थे और ना ही वॉशरूम में साबुन और हैंड वॉश। क्या वहाँ से कोरोना और दूसरी बीमारियाँ नहीं फैलेंगी? आपके हॉस्पिटल में आप चले, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, आप बता दो ये सब आप अमल कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, फॉलो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये किसने कहा नहीं हो रही? फिर मौसूफ फरमाने लगे कि जाओ मेरे बारे में जो लिखना है लिख दो। जिस पर मैंने इनसे कहा कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं कि आपके बारे में लिखा जाए। क्या मेरे लिए लिखना, बस क्या लगो भला ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, बता नहीं आप लिखो। मैं नहीं छुपा रहे, नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। क्या सही कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, बस छोड़ दो। फिर वही तरीके कार के बात को कहीं से कहीं ले जाओ और लड़ाई शुरू कर दो। हमें अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो रहा था क्योंकि आवाम की तकलीफ हम बहुत करीब से देख रहे थे। इनसे सवाल कर लिया तो ये मुझसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि एसओपी फॉलो कौन सी करी है, वो कौन सी फॉलो करी है, ये आवाम के साथ इतनी ज़ाती कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या कोरोना सिर्फ मास्क लगाने से ही रुकता है? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि सरकारी इमारतों के अंदर मौजूद वॉशरूम में ये तमाम सहूलियात फराहम की जाए? कसम खा सकता हूँ नहीं बैठ सकता, मैं एक सेकंड के एक लम्हे के लिए नहीं बैठ सकता यहाँ। डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर नहीं आता है, पीने का पानी नहीं है। हमारे पास सिर्फ 200 रुपया था, आज बाथरूम के लिए हम गया था, बोला दे दे, हमने कहा भाई आज पैसे नहीं है, 200 रुपया आज छोड़ो कल मेरे से ले लेना, बोला नहीं। क्या यहाँ के वॉशरूम के अंदर साबुन या हैंड वॉश आपको मिला कभी? तो कभी भी नहीं मिला सर, साबुन तो बहुत बड़ी बात है। ये बेचारी आवाम है, जाहिर इनकी कौन सुनेगा। मुराद अली शाह साहब आए ना इधर, क्यों नहीं आ रहे? आए मुराद अली शाह साहब, सिविल का चक्कर मारे, फिर मैं देखता हूँ वॉशरूम चेक करें यहाँ के, सिर्फ कोई नहीं करे, वरना ये जो एमएस है, ये डीएमएस है, ये डॉक्टर्स हैं, इनके वॉशरूम भी बंद कर दें, इनके वॉशरूम बंद करें, इनको बोले पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें, आए दें 10-10 रुपये दें। ये हमारी सिंध हुकूमत देखे, ये यहाँ की आवाम है बेचारी, ये आती है बेचारी, कोई कहीं दरी डाल के पड़ा है, कोई कहीं दरी डाल के पड़ा है, गुरबत की वजह से पड़े हुए, इन्हें इनकी बेसिक सहूलत नहीं मिल रही, वॉशरूम नहीं मिल रहा है।